आज हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के ऊपर जो शॉर्टिंग के समय ना आपको मैंने दिया था। क्वेश्चन था कि अगर हमें ब्लैंक ब्लैंक रो ऐड करने हैं डेटा में किसी एक पीरियड के बाद, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक एक रो के बाद ऐड करना है, तो हमने आपको तरीका बताया था कि आप लास्ट में एक सीरियल नंबर का कॉलम ऐड कर दें और एक से लेके दो तक का डेटा यहाँ पे डालें और नीचे से रिपीट कर दें। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, छोटा लेता हूँ डेटा ताकि इफेक्ट समझ में आए। एक काफी बड़ा डेटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर लिया और 1 2 3 हमने इसको ड्रैग कर दिया और फिर इसी नंबर को कॉपी करके नीचे हमने पेस्ट कर दिया। एक कैसा होता है ये हमने कल की मेथड में समझाया था, यहाँ हम कस्टम शॉर्ट और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देंगे। ये तो रही कल की बात जो कल मैंने करके दिखाया था। ओके, दूसरा अगर मैं बात अगर मुझे इसमें हर एक 3 या 4 या 5 या 2 या जो भी एक पीरियड के बाद ऐड करना है तो कैसे ऐड करें। तो जैसे आपने बोला था कि 2 को 3 बार मैंने कि रिपीट पेस्ट कर देंगे तो आपको उतने ब्लैंक नंबर ब्लैंक रो इंसर्ट होंगे, लेकिन मुझे क्या है कि जितने कॉलन हैं उतने एक पर्टिकुलर कॉलम के बाद 3 के बाद एक सिर्फ एक ही ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो सीरियल नंबर में आएंगे उतना नंबर को रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 के बाद करना है तो 1 को मैंने 3 टाइम लिख दिया, उसके बाद हम इसके ऊपर +1 कर देते हैं और फिर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो जितना भी नंबर है वो सब 3 टाइम है, 3 बार है 3 बार है 3 बार है 3 टाइम है। और मैंने देखा कि 12 तक है, तो हम यहाँ 1 से लेके 12 तक यहाँ सीरीज बना देता हूँ मैं इसमें। यहाँ पे 12 तक का सीरीज चाहिए, तो ड्रैग करने से अच्छा है कि यहाँ हम सीरीज में जाए और यहाँ पे 12 कर देता हूँ, तो 12 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइंस समझिए, साइंस क्या है इसका। हमारा जब शॉर्ट करेंगे तो A1 है, इस 1 के नीचे इस 1 को ला देगा क्या, और A1 वाला ए जो 1 है नीचे वाला वो ब्लैंक है। तो ऐसे ही 2 के नीचे 2 को लेके आएगा और 2 हमारा ब्लैंक है। समझ गया सर, समझ में आया कि नहीं सर? हेलो, कैसे? यस सर, समझ गया सर। हाँ, समझ गया। यहाँ हम कस्टम शॉर्ट करेंगे और यहाँ हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसका आ जाता है। अब बोलेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आखिर बेनिफिट क्या है इसका, बात समझ रहे हैं सर? तो इसकी बेनिफिट्स के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मैं एक डेटा बनाता हूँ नेम, और यहाँ हम प्रोडक्ट का डेटा हम बना लेते हैं या मंथ वाइज दे देते हैं, डेट वाइज भी हो सकता है, फिलहाल मैं मंथ वाइज दे देता हूँ, छोटा लेता हूँ, छोटे में इफेक्ट समझ में आता है इसलिए, वरना ये डेटा बड़ा भी हो सकता था। मॉर्निंग सुजीत जी, लेट हो गए। हाँ सर, हम इंतजार किए, फिर मैसेज आपका आया तो मैंने सोचा कि आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या पता आपका ब्रॉडबैंड ठीक हो। रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया आपने? जी दे दिया। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा है ऐसे, ये तो 12 महीने का है, ऐसा हो सकता है 31 दिन का या 100 दिन का या 500 कॉलम भी हो सकते हैं। फिलहाल आप इमेजिन कीजिए कि बड़ा डेटा भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, हर कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड करना है, इसमें परसेंटेज का सिंबल देना है और मुझे इसको डिवाइड करना है 70 से, 70 इज द टारगेट, और फिर नीचे की तरफ इसको ड्रैग करके और फिर इसमें हम परसेंटेज का सिंबल देंगे। ओके, और ये प्रोसीजर मुझे हर कॉलम के लिए करना है। तो क्या करें इसके लिए, अब डेटा अभी चलो 12 है तो चलो आपको जो इसके लिए मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगेंगे आप कर दीजिएगा, उससे भी कम टाइम में आप कर दीजिएगा, लेकिन ये डेटा 1200 हुआ या 12000 हुआ,
तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना सर, करने में काफी टाइम लगेगा। और इसमें क्या करना है, हमें एक कॉलम ऐड, प्रोसीजर क्या है, कॉलम ऐड करना है, हेडिंग देना है और फिर इसके डिवाइड, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, नीचे कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद परसेंटेज अप्लाई करना है। तो इस चीज को बहुत ही जल्दी करने के लिए विदाउट वीवीए यूज किए हुए हम क्या करेंगे, एक रो को ऐड करेंगे और इस रो को ऐड करने के बाद यहां हम दे देंगे सीरियल नंबर। उसके बाद हम सीरियल नंबर को लिए, कॉपी किए और यहां पे पेस्ट कर दिए और यहां हम परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं और फिर इसको हम ऐड किए, सेलेक्ट किए और यहां हम शॉर्ट करते हैं, कस्टम शॉर्ट, और शॉर्ट में हम यहां ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं। उसके बाद हम यहां हम रो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट हो गया, फिर अपना इसको डिलीट कर दिया। अब अगला, अभी भी मेरा आधा काम ही हुआ है, अभी भी मुझे डिवाइड करके फॉर्मूला अप्लाई करके और परसेंटेज लगाने वाला सिस्टम अभी भी है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ हम कंट्रोल एच करते हैं और कंट्रोल एच में हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं, कंट्रोल एच मत कीजिए, माफ़ कीजिएगा, कंट्रोल जी करेंगे, गो टू ए स्पेशल, यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइनेंस सिलेक्ट में स्पेशल, और यहाँ देखिए ब्लैंक्स, जब मैंने किया तो जितने भी ब्लैंक्स थे वो ब्लैंक सिलेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली, डेटा का जितना भी ब्लैंक था वो ब्लैंक सिलेक्ट हो गया और पहला ब्लैंक जो सी टू है वो एक्टिवेट है। अब यहाँ एक साइंस समझिए, एक सिलेक्टेड, आप एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, जब एरिया सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपका जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया है वो आपका एक्टिव सेल होता है, आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नॉर्मल टाइप करके एंटर मारेंगे तो जैसा है वैसा टाइप हो जाएगा, लेकिन टाइप करने के बाद आपने कंट्रोल और एंटर, कंट्रोल और एंटर पेस्ट किया तो कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर देता है, कॉपी करने के बाद वो पूरे में पेस्ट कर देता है। तो सेम यहाँ पे हम इसी मेथड का यूज करेंगे और हम इसको डिवाइड बाय 70 या जो भी है आपका जो भी फॉर्मूला है वो लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल एंटर। उसके बाद हम यहाँ परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर देंगे। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? सर ये कंट्रोल एन वाला समझ नहीं आया सर, कंट्रोल एंटर नॉट एन, कंट्रोल एंटर, एक बार फिर से बताएंगे सर, ये सर सुनिए, आप एक से एरिया को सिलेक्ट कर लिए ना, हाँ वो एक्टिव हो गया सेल, वो समझ आया, एक सेल एक्टिव है, अगर कोई टाइप करते हैं और नॉर्मल एंटर मारेंगे तो नीचे आ जाता है, फिर नीचे टाइप कर सकते हैं ना क्या, लेकिन आप नॉर्मल एंटर ना मार के कंट्रोल एंटर मारेंगे जिस सेल में आप टाइप कर रहे हो उस सेल की डेटा को कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड पे पेस्ट कर देता है। आया समझ में? Yes. तो सेम चीज जब यहां हमने क्या किया कि जब यहां हमने इसको डिवाइड बाय 70 किया, सॉरी डिवाइड बाय 70 किया और जब मैं कंट्रोल एंटर मारा तो इस ए टू डिवाइड बाई 70 फॉर्मूले को लेकर सब जगह पेस्ट कर दिया। जब फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो इन्हें अपना एड्रेस इंक्रीज करता है, तो यहाँ ए टू था, यहाँ ए थ्री आ गया, यहाँ ए फोर आ गया, यहाँ पे डी थ्री आ गया, डी फोर आ गया, समझे? यस सर। चलिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे बढ़े, अब इसका यूज हम लोग और जगहों पे भी कर सकते हैं। तो जैसे एक कॉलम के बाद हमने ब्लैंक कॉलम करने में, इंसर्ट करने में हमारा बेनिफिट हुआ, ऐसे इसका भी हो सकता है कि जब आपके पास तीन के बाद चार के बाद ऐड करना हो। चलिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ। हम लोग इसके लिए बायोमेट्रिक डेटा हम लोग ये करते थे, एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा था उस पर इसका यूज हम लोग करते थे।
जैसे कि आपके सामने ये डेटा है, तो हम लोग क्या करते थे, पिवट टेबल लगाते, हालांकि पिवट टेबल आपका आगे का टॉपिक है, तो बस देखिए आपको ये आगे मैं पिवट टेबल में समझाऊंगा। ये रिपोर्ट हम लोगों से हम लोगों का बन के आता था और फिर हमें क्या करना होता था इसमें कि आवर डालना होता था इसमें। इस डेटा को हम लोग क्या करते थे, कॉपी करके अलग सीट पे ले जाते थे। जो कॉपी करते थे और हम एक अलग शीट पे ले आते थे। और पेस्ट करते थे और ये जो है इसकी इसको टाइम फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करते थे। अब हमें क्या करना था कि इसमें डिफरेंस निकालना था कि एक जीन को इतना बज इन हुआ इतना बज आउट हुआ, तो कितने घंटा इसका इसने जो अपना जॉब किया। तो हमें क्या करना होता था, एक दो इसमें कितने एक और दो दो कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना होता था। यहाँ में हम लोग आवर्स का हेडिंग देते थे और हम आउट माइनस इन को करते थे और ये हमारा टाइम निकल के आ जाता था। इसके ऊपर हम लोग फॉर्मेट सेल में टाइम में हम लोग 37:30-35 का टाइम देते थे। समझ में आया क्या करना था सर, हमें दो रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। ओके मैन्युअली करते तो लंबा टाइम लगता, कितना है करके लंबा टाइम लगता। तो इसके लिए हमने क्या करते थे, हमें एक ब्लैंक रो इंसर्ट करते थे और इसमें हम एक को दो बार लिखेंगे, समझ गए, क्योंकि दो के बाद ऐड करनी है इसलिए। और फिर इसमें हम प्लस वन कर देते हैं और आगे की तरफ ड्रैग कर देते। ऐसा इसलिए किया कि ताकि हर नंबर हमारा दो बार आ जाए, लिखा हर नंबर दो बार आ रहा है। तो कॉपी करके हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला इसका रिमूव हो जाए, ताकि सॉर्टिंग में एरर ना आए। और फिर यहाँ हम एक को लिखे और एक हर नंबर को सिर्फ वन टाइम लिखेंगे 30 times। तो हमने सिलेक्शन किया और सीरीज जो मैंने सिखाया था आपको सीरीज में गए और यहाँ पे बाय रो है, हम यहाँ पे इसको कॉलम कर देते हैं और यहाँ पे हम 30 कर देते हैं। तो सॉरी माफ कीजिएगा, गलती हो गई, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम ही था, रो एंड कॉलम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। ये बाय कॉलम ही होगा सर, नहीं कॉलम तो ये कॉलम बाय आ जाएगा, रो है ना, रो बाय है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, सॉरी आ गया। अब मुझे इसके नीचे है इसका एक ध्यान रखिएगा कि मुझे इसके नीचे जो है आवर भी देना है, ताकि हेडिंग बार बार लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक हेडिंग आ जाए हमारा आवर्स। और जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फॉर्मेटिंग कर दीजिए। मान लीजिए मुझे आवर की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ग्रीन रखनी है ताकि दिखे कि कितना घंटा आया हुआ है, तो हमने ग्रीन कर दिया। अब जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा सिलेक्शन करते समय इसको हेडिंग को इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 11 तक है, 11 तक हमने इसको सिलेक्ट किया और चले गए शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। और कस्टम शॉर्ट में हमने यहाँ सबसे पहले ऑप्शन में आया और यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्ट टू राइट और यहाँ रो वन के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया। देख रहे हैं या आपको फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया। अब ऊपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं, काम उसका खत्म हो गया। और फिर एक बार और डेटा को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मुझे जो भी चेंजिंग करना है सिर्फ ब्लैंक में करना है ना,
बट प्रॉब्लम है कि यहाँ भी पहले से भी ब्लैंक है, दिख रहा है आपको सर? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? वो किसी को इस पर भी अप्लाई कर देगा ना फॉर्मूला, इस पर तो अब्सेंट होना चाहिए था। तो ये चीज मैं पहले सोचनी थी, और मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस आता हूँ, ठीक है, सॉर्टिंग करने से पहले। अब मैंने क्या किया, अपना इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले इसको इसकी जो फॉर्मेटिंग और टाइम की फॉर्मेटिंग कर देते हैं, और कंट्रोल एच करते, कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, हम ब्लैंक को ए से रिप्लेस कर देते हैं, जहां जहां ब्लैंक था वहां वहां ए आ गया, ठीक है? ताकि आपने कंट्रोल एच रिप्लेस, फाइनल रिप्लेस होता है ना सर यहाँ पे, तो ब्लैंक से ला नीचे दे दिया हमने, ठीक है। अब फिर वापस जो है हम आगे बढ़ते हैं, अगला अपना ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो आवर्स है इसकी हमने हमने क्या करना था, हमें इसकी सबसे पहले फॉर्मेट चेंज करना था, तो हमने इसकी ग्रीन कलर कर दिया। फिर हम स्टार्टिंग में आए 11 तक, शॉर्ट कस्टम शॉर्ट, और हमने यहाँ ऑप्शन लेफ्ट टू राइट रो वन एंड शॉर्ट, फिर रो वन को डिलीट कर दिया और इसको पूरे को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे देखिए स्पेशल है, इसको कंट्रोल जी से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैंक, तो जितना ब्लैंक था उस तरह सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला देते हैं कि लेटेस्ट मतलब आउट माइनस इन, और एंटर नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, कंट्रोल एंटर आ गया। इसकी टाइम की फॉर्मेट ए होना चाहिए ना, आवर में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं अपना 30 days। अब यहाँ कहेंगे एरर आ रहा है, वो अब्सेंट था इसलिए एरर आ रहा है। आप चाहते कि नहीं एरर भी नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट या यहाँ ए कर देते हैं, अब्सेंट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं माफ कीजिएगा, कंट्रोल एंटर कर, हमें यहाँ इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, और इसमें ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर, ठीक है सर? रिपोर्ट तैयार हो गई हमारी। आप ये बोल रहे हो कि जैसे अपन मिस आउट भी कर गए तो कंट्रोल, जैसे अपन एब्सेंट वाला पहले मिस आउट किया था जो ब्लैंक आ रहा था ना, हाँ, तो उसको भी कंट्रोल एंटर से कर सकते हैं क्या अपन? तो फिर वो ब्लैंक ए भी सिलेक्ट हो जाएगा ना, फिर जो हम करेंगे तो ए भी हो जाएगा ना सर, ब्लैंक भी थोड़ी एडिट करेगा कि ये ब्लैंक है, वो तो इसको ही ब्लैंक मान लेगा ना, फॉर्मूला है ओके, इसलिए पहले टाइप कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंक को सिलेक्ट करके तो ही फॉर्मूला लगाना है, वरना फिर वन बाई वन फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद हमारे कोर्स में अगला जो टॉपिक है वो है फिल्टर का। उससे पहले एक और क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन किया था सर, एक और क्वेश्चन जो बताया था मैंने अनसॉर्ट का, उसका कुछ ढूंढना, हेलो नहीं जी सर, नहीं ढूंढना। जैसे मान लीजिए कि मुझे डेटा है हमारा, और मुझे इस पे डेटा सॉर्ट करना और कुछ करना है, हमारे बॉस ने हिदायत दे दी है कि भाई डेटा का जो सिक्वेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तुम कुछ भी करो बाद में वापस इसको सही कर दे, बात समझे? आपको पहले से चीज पता होना चाहिए कि इसमें हमें शॉर्ट करने से दिक्कत है, तो आप इसको अनशॉर्ट करने का ऑप्शंस के लिए वही क्या करना है कि आप सॉर्टिंग करने से पहले कहीं एक सीरियल नंबर डिफाइन कर दें, डिफाइन कर दिया, भले इसको हाइड कर दीजिए लेकिन इसको डिफाइन कर, कल के डेट में अगर मान लीजिए कि मैंने इसको प्रोडक्ट बाई शॉर्ट कर दिया सर, प्रोडक्ट बाई शॉर्ट,
अब बात हुई कि नहीं यार डेटा तुमने कैसा कर दिया, मुझे जैसा था वैसा लो, मेरा बहुत सारा फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला हट गया है, देख रहे हैं शॉर्ट होने से हिल गया, तो वापस हम सीरियल नंबर पे जाएंगे और वापस इसको ए टू जेड कर देंगे, ठीक है? यस सर, बस सिंपल है इसका इस्तेमाल, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें फिल्टर का ऑप्शन है, तो फिल्टर की कोई खास इसमें हम लोगों का उतना है नहीं, ऐसे आप देख लीजिएगा, कोई टॉपिक बताने लायक हुई तो मुझे बताइएगा, कल की क्लास में, अगली क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो हम होम मेनू यहाँ पे खत्म मानते हैं, बट आप लोग इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, कोई चीज छूट गई है उसको हम अगली क्लास में कवर करें।